गुड इवनिंग भाई, कौन कौन है और कौन कौन है क्लास में? अंकिता गुड इवनिंग बेटा, गौरव गुड इवनिंग, और कौन है क्लास में? जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। अभिनव गुड इवनिंग, साक्या गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अभिनव। चलिए और कौन कौन हम लोग? अंकित गुड इवनिंग बेटा, हाँ अंकिता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, पिछले टर्न पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम, डिफरेंट पार्ट्स और उसका डिटेल हम लोगों ने देखा था, ठीक है? वहां तक में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए, आप लोग किसी को अगर कोई डाउट है वहां तक तो बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया था, आज हम लोग एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइमेटिक एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वहां तक किसी को कोई डाउट है पिछले टर्न पे जो मैंने बताया था? जल्दी बताइए, पिछले टर्न पे जो भी मैंने बताया किसी को कोई डाउट है? गुड इवनिंग मानसी, पिछले टर्न पे जो भी बताया कोई डाउट? हर्षिता नो डाउट, और नहीं? चलिए और, नो सर, लाउडली, क्या बात है बेटा, आवाज धीरे आ रही है। आप एक बार अपने में देखो, सुबह सदीराम सर के क्लास में भी तुम बोल रहे थे क्लास की प्रॉब्लम है। रीना, अच्छा अभी अभी साउंड कैसा है? अभी साउंड कैसा है? देखो मैंने यहां से साउंड बढ़ाया है, वॉइस इज राइट। और अंकिता कैसा है साउंड? नो डाउट, मेरी वॉइस की क्लियरिटी बताओ, वॉइस कैसा है? ठीक है, ओके। और अंकिता आप सही कर लीजिए, मैंने यहां से वॉइस तेज कर दिया है। अभिनव प्लीज स्पीक लाउडली, भाई आवाज क्लियर आ रही नहीं? क्लियर है, क्लियर है। गौरव गुड इवनिंग बेटा, क्लियर है तो फिर चिल्लाने की कोई जरूरत है क्या? वैसे ही मेरी आवाज बुलंद है, मेरी आवाज धीरे नहीं है। किसी को अभी भी? मानवी गुड इवनिंग बेटा, अभी किसी को क्या आवाज धीरे लग रही है? क्लियर है, चलो क्लियर है। गौरव क्लियर तो है। अंकिता देखो तुम्हारे सिस्टम की तो प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है तुम्हारे सिस्टम में वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है? लो या स्पीकर लगा लो, क्योंकि यहां से वॉइस की क्लियरिटी और बाकी सभी लोगों को क्लियर है। ऑल राइट, देखो सभी को क्लियर है, आपकी सिर्फ प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो हम लोग शुरू करते हैं। पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक हम लोगों ने माउथ और टेल एंडस डिफरेंट पार्ट्स हमने बात कर ली थी। रितेश गुड इवनिंग बेटा, माउथ के बाद बक्कल कैविटी की बात की थी हमने। बक्कल कैविटी में टंग और टीथ के बारे में पढ़ा था, फिर बक्कल कैविटी के बाद फैरिंग्स पढ़ा था, फैरिंग्स में दो पार्ट, नेजोफैरिंग्स ओरोफैरिंग्स पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस पढ़ा था, ठीक है? फिर हम लोगों ने ओसोफेगस और ट्रैकिया पढ़ा था। हाँ एक चीज छूट गया, देखो इसी वाले रीजन में जहां फैरिंग्स के बाद वाला जहां ट्रैकिया है आपका शुरू हो रहा है और ओसोफेगस, वहीं पे वॉयस बॉक्स पाया जाता है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। तो एक ये आप चाहे तो इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, लैरिंग्स जिसे हम वॉयस बॉक्स कहते हैं, जिसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तब। गुड इवनिंग बेटा श्रेया, तो जब हम हवा को बाहर निकालते हैं यानी एक्सहेल करते हैं एयर को, तो उस समय वॉयस का प्रोडक्शन होता है। और वॉयस प्रोडक्शन में जो वॉयस बॉक्स जो पार्ट है हमारे बॉडी सिस्टम का जो मदद करता है वॉइस प्रोडक्शन में, उसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। तो फैरिंग्स और लैरिंग्स याद रखो, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स पाया जाता है, ठीक है? फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स पाया जाता है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं।
जो साउंड के प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक, फिर हमने ओसोफेगस, ओसोफेगस के ओपनिंग को गलट कहते हैं, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के ओपनिंग को ग्लॉटिस, ग्लॉटिस कवर्ड होता है एक फ्लैट से जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, सी शेप्ड कार्टिलेजनस बोन पाया जाता है ट्रैकिया पे जो इसे कोलैप्स करने से बचाता है। फिर हमने पढ़ा था ओसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है, एब्डोमिनल रीजन और थोरैकिक रीजन मैंने आपको बताया था। स्टमक में तीन पार्ट, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक बताया था। स्टमक के बाद फिर मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजनम, इलम बताया था। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, फिर सीकम के बाद क्या था, कोलोन, कोलोन के बाद रेक्टम और फाइनली एनस। ये सारे पार्ट्स डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग जो बचा है एलिमेंट्री कैनाल के बाद वो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो चलो हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में देखो जो आपको पढ़ना है, कुल पांच हेड में पढ़ना है इसको, एसोसिएटेड ग्लैंड को। पहला आपका सेलेवरी ग्लैंड, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा लीवर, चौथा पैंक्रियास और पांचवा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्लियर है? अब इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, क्या सिक्रीशन होता है, क्या उनका फंक्शन है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड में किसकी, सेलेवरी ग्लैंड की। तो चलिए सेलेवरी ग्लैंड से हम लोग शुरुआत करते हैं, सेलेवरी ग्लैंड से डिटेल करते हैं। चलिए सेलेवरी ग्लैंड, चलो जैसे ही सेलेवरी ग्लैंड की बात आए दिमाग में तो एक चीज दिमाग में आ जाती होगी कि सेलेवरी ग्लैंड बकल कैविटी वाले रीजन में पाया जाता है जिससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ठीक, और ये जो सेलेवरी ग्लैंड है ये थ्री पेयर्स में पाई जाती है। कितनी सेलेवरी ग्लैंड पाई जाती है बकल कैविटी में, थ्री पेयर्स, यानी तीन जोड़े में पाई जाती है ये, तीन जोड़े में, थ्री पेयर्स यानी कुल छह सेलेवरी ग्लैंड्स होती है एक एक पेयर में। ठीक, तो वो तीन पेयर्स क्या है भाई, तीन पेयर्स में पहला है सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड। ठीक, सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड एक पेयर में होगा, कहां पाया जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टंग, इन फ्रंट रीजन ऑफ टंग, टंग के फ्रंट रीजन में पाया जाता है सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड, याद कर लीजिए। ठीक है, तो पहला एक जोड़ा जो सेलेवरी ग्लैंड है वो सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड है जो टंग के फ्रंट रीजन में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सेलेवरी ग्लैंड क्या है भाई, सब मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड, दूसरा क्या है, सब मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड, नोट करते जाइए साथ में। ठीक है, कॉपी और पेन ड्राइव ले लीजिए और साथ में नोट करते जाइए। तो ये सब मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड जो होता है ये बेसिकली बैक रीजन ऑफ टंग, कहां पाया जाता है, बैक रीजन ऑफ टंग, जीभ के पीछे वाले हिस्से में, आप जीभ उठाओ तो पीछे वाले हिस्से से देखो आप लार कुछ निकलता हुआ सिक्रीशन एहसास होता है, वही आपका बैक पोर्शन जो है वही पाया जाता है। तो सब मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड कहां पाया जाता है, बैक रीजन ऑफ, बैक रीजन ऑफ टंग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड सेलेवरी ग्लैंड, और सब मैक्सिलरी के बाद जो लास्ट पेयर है उसे हम पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड, नोट कर लीजिए, तीनों नाम अक्सर भूल जाता है इसलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड टंग के फ्रंट रीजन में पाया जाता है, सब मैक्सिलरी टंग के बैक रीजन में पाया जाता है, और पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड ये जो तलवा है ऊपर अपर रीजन में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, अपर रीजन में पाया जाता है। क्लियर है, ये एक बात हो गई कि जो तीन पेयर सेलेवरी ग्लैंड पाए जा रहे हैं उनमें एक पेयर सब लिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड जो टंग के फ्रंट पोर्शन में पाया जाता है, दूसरा पेयर सब मैक्सिलरी जो टंग के बैक पोर्शन में पाया जाता है, और तीसरा पेयर पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड
जो कि अपर पैलेट जो होता है तलवा अपर रीजन में पाया जाता है। क्लियर है? हाँ अमित, गुड इवनिंग बेटा, चलो क्लास में देर से आए हो, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका तीन पेयर सेलेबरी ग्लैंड्स। अब ये जो सेलेबरी ग्लैंड्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं भाई? इरेज कर दें, नोट कर लिया आपने, साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है? इरेज कर दें, जल्दी बताओ भाई, नोट कर लिया? अभी आगे बता रहे हैं, नोट कर लिया कि नहीं? इतना एंजाइम्स के बारे में बता रहे हैं बेटा, चलो। यस सर। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो सेलेबरी ग्लैंड्स हैं क्या रिलीज कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए सेलेबरी ग्लैंड के सिक्रीशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेलेबरी ग्लैंड जो है ये रिलीज करते हैं सलाइवा। क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा। सलाइवा एक विस्कस फ्लूइड है। सलाइवा क्या है? एक विस्कस फ्लूइड है। और उस सलाइवा में पाया जाता है तीन, पहला तो पाया जाता है म्यूकस, दूसरी चीज जो पाई जाती है उसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम, और तीसरी चीज जो पाई जाती है इसमें वो है सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज या इसी को टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम। क्लियर है? तो तीन चीजें, म्यूकस, लाइसोजाइम और सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है किसमें? सलाइवा में। और ये सलाइवा सिक्रीट कहाँ से हो रहा है? सेलेवरी ग्लैंड से। सेलेवरी ग्लैंड कितनी होती है? तीन पेयर्स में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? बक्कल कैविटी में पाई जाती है। बक्कल कैविटी में टंग के फ्रंट रीजन में, फ्रंट वाले रीजन में कौन सा है? सबलिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड। बैक रीजन में कौन सा है बताओ भाई? सब मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड। और अपर रीजन में पाया जाता है पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड। ये नाम याद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है? साथ साथ जब बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, बोलेंगे और लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो सबका फंक्शन अलग अलग समझ लेते हैं। बात करते हैं पहले म्यूकस की। तो म्यूकस जो होता है एक स्लिपरी विस्कस सबस्टेंस होता है। क्या होता है? एक स्लिपरी म्यूकस सबस्टेंस होता है जो कि फूड को लुब्रिकेट करता है। आप सूखी रोटी भी खाओ, सूखा भोजन भी खाओ, कोई भी ड्राई चीज खाओ, लेकिन वो ड्राई चीज मुंह में जाने के बाद क्या हो जाता है? बिल्कुल पल्पी, उसमें लसलसा फ्लूड उसको पल्पी बना देता है कि नहीं? उसका ड्राइनेस खत्म हो जाता है ना। तो ड्राइनेस खत्म करके उस फूड को ये म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, जिससे कि वो फूड आराम से, जो आपकी फूड पाइप है उस फूड पाइप में आगे बढ़ सके, ठीक है? तो म्यूकस क्या है? इट लुब्रिकेट फूड टू इंश्योर इट्स मूवमेंट इन फूड पाइप आर ओसोफेगस, इन ओसोफेगस आर फूड पाइप, ठीक है? तेरी भोजन को क्या कर रहा है? ये लुब्रिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? लुब्रिकेट कर रहा है, जिससे कि वो भोजन आसानी से आपके फूड पाइप या ओसोफेगस से आगे स्टमक में जा सके। तो ये हो गया आपका म्यूकस, ठीक? म्यूकस के बाद दूसरी चीज जो आपकी सलाइवा में पाई जाती है वो लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम जनरली जो होता है ये एंटी माइक्रोबियल होता है। क्या होता है ये? एंटी जो है ये माइक्रोब्स को किल करता है, यानी फूड में जो भी, जो वो हमने खाया भोजन, उस भोजन में अगर कुछ बैक्टीरिया है तो इनिशियली ये लाइसोजाइम उसको मुंह में ही किल कर देते हैं, ठीक है? तो ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं टू किल माइक्रोब्स इन फूड। फूड में जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने में ये हेल्पफुल होते हैं। और यही लाइसोजाइम आपके आईज से जो टीयर निकलती है, आंसू, उस आंसू में भी पाया जाता है ये। उस आंसू में भी ये लाइसोजाइम पाया जाता है। इसीलिए आंखों के लिए जो आंखों से आंसू निकलता है वो, जिसमें लाइसोजाइम है, वो हमारे आंखों के हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आंख से आंसू नहीं निकल रहा है
कुछ लोगों को होता है देखो प्रॉब्लम, तो उनकी आंख में बड़ी इरिटेशन, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोजाइम हमारे टीयर में भी पाया जाता है, लाइसोजाइम हमारे सलाइवा में भी पाया जा रहा है। क्लियर है इतना बात, समझ में आया? ठीक, चलो आगे अब हम बात करेंगे। जो एंजाइम पाया जाता है सलाइवा में वो है सेलेवरी अमाइलेज या टाइलिन। क्या है? सेलेवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। अब ये जो सेलेवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है भाई? ये कार्बोहाइड्रेट को, यही फंक्शन भी लिखते जाओ आप, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है भाई? ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और इसीलिए ये देखो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड, ये है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और जबकि माल्टोज क्या है? माल्टोज है डाईसेकेराइड, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड और डाईसेकेराइड मतलब ऐसे समझो, पॉलीसेकेराइड मतलब ऐसे मोनोमर की चेंज है जिसमें ढेर सारे ऐसे यूनिट्स हैं। देखो पॉलीमर क्या होता है? मोनोमर की पूरी चेन, तो ये पॉलीमर हो गया। अब इसमें अगर कई हैं तो ये हो गया आपका पॉलीसेकेराइड, समझो कई मोनोमर हैं, कई सुगर हैं अगर, तो ये हो गया पॉलीसेकेराइड। और अगर सिर्फ दो सिंपल मोनोमर हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? डाईसेकेराइड। और सिर्फ अगर एक यूनिट सिंपलेस्ट फॉर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड। क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड। क्लियर है? यानी एक सिंगल यूनिट है तो मोनोसेकेराइड, दो है तो क्या हो जाएगा? डाईसेकेराइड। और अगर कई मोनोमर एक चेन में पाए जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड। यानी जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है उसको ये टाइलिन एंजाइम माल्टोज जो कि एक डाईसेकेराइड है उसमें कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग जो भी खाते हैं, सूखी रोटी भी अगर खाएं तो क्या होता है भाई? वो सूखी रोटी भी, सिक्योरिटी भी क्या होता है आप देखिए, वो सूखी रोटी भी मीठी लगती है आपको। क्लियर है? चलो इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो आपने देखा सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन का क्या फंक्शन है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। एक और बात यहां समझो जो पूछा जाता है कि माउथ रीजन में किसका डाइजेशन होता है। तो माउथ रीजन में देखो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है माउथ रीजन में। हाँ ठीक है, टेस्ट भी जो है माउथ रीजन में ही पता चलता है, ठीक है। ठीक, तो माउथ रीजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि फैट और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई भी एंजाइम यहां रिलीज नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए, तो पहला सेलेवरी ग्लैंड हमने समझ लिया, सेलेवरी ग्लैंड तीन पेयर्स में पाए जा रहे हैं, उनके बारे में, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड, ये सारी चीजें, और सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है ये हमने समझ लिया। क्लियर है इतना बात, समझ में आ गया? चलो अब दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड की हम लोग बात करेंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब ओसोफेगस आया, ओसोफेगस में मैंने बताया था भैया कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता है। ओसोफेगस यानी फूड पाइप, ये सिर्फ पैसेज है जो फूड को फ्रॉम माउथ टू स्टमक ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आया वो स्टमक आया, स्टमक में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और स्टमक में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग जल्दी से डालिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं भाई ये समझिए। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जनरली होती हैं ये ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है, ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स फाउंड इन स्टमक वाल, जो स्टमक की जो वाल है, जो लेयर है, उसी लेयर में ये ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स फाउंड इन स्टमक वाल, इन स्टमक वाल इज कॉल्ड
गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्लियर है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेगा भाई, ये रिलीज करेगा गैस्ट्रिक जूस, क्या रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा, क्लियर है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में देखो क्या क्या पाया जाता है भाई, इस गैस्ट्रिक जूस में जो पहली चीज ये रिलीज करता है वो है म्यूकस, क्या है, म्यूकस, म्यूकस रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, म्यूकस। दूसरी चीज जो रिलीज करता है वो क्या है भाई, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और तीसरी चीज बताइए, तीसरी चीज डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, पेप्सिनोजन और रेनिन, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक। अब एक एक करके थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग म्यूकस की। म्यूकस क्या होता है भाई, म्यूकस वही स्लिपरी विस्कस फ्लूइड, क्या काम होता है ये म्यूकस, बेसिकली स्टमक वाल को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रांग एसिड है इसके इफेक्ट से बचाता है म्यूकस। तो म्यूकस क्या है, थिक लेयर ऑफ म्यूकस विच प्रोटेक्ट स्टमक वाल, तो म्यूकस इट प्रोटेक्ट स्टमक वाल फ्रॉम HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे क्या करता है, ये म्यूकस स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करता है, क्लियर है। इतना बात समझ में आया, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आपका कमेंट क्यों नहीं आ रहा है, हाँ प्रोटेक्ट, ठीक है चलो। म्यूकस के बाद HCl की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रांग एसिड है, इतना स्ट्रांग है सोचो कि अगर पेट के एसिड को निकाल के उसमें आप बहुत पतला एल्युमिनियम फॉयल डालो तो वो गल जाएगा, इतना स्ट्रांग होता है। उतना स्ट्रांग एसिड हमारे स्टमक वाल को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि उस स्टमक वाल पे एक थिक लेयर, बहुत मोटी म्यूकस की लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रांग एसिड HCl है, ये HCl काम क्या करता है उसकी बात कर ले हम लोग, तो HCl पहला इसका जो फंक्शन है एंटी माइक्रोबियल होता है, क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। देखो मैं पॉइंट लिखते जा रहा हूं, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, क्या करता है ये, एंटी माइक्रोबियल होता है, मतलब इट किल माइक्रोब्स अवेलेबल इन फूड, ठीक है। सौम्या बर्नवाल सर, 12th का भी लाइव क्लास लीजिए, ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं, तुम लोगों के लिए भी लाइव क्लास का कुछ प्लानिंग करते हैं, ठीक। अभी ये शेड्यूल हुआ है, अब थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें था, होमवर्क मैं कर रहा हूं, तुम लोगों की भी लाइव क्लासेस में कोशिश करूंगा लेने के लिए, ठीक चलो। तो एंटी माइक्रोबियल होता है HCl, तो फूड में जो भी अवेलेबल माइक्रोब्स हैं उनको किल करने का काम करता है, ठीक है, इतना बात समझ में आया। तीसरा जो फंक्शन है HCl का, तीसरा फंक्शन है कि इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। यहां जो स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, एक्चुअली इनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है। तो वो एसिडिक मीडियम कौन दे रहा है, HCl, यानी HCl क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करिए इतना पॉइंट, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम में हम नोट करेंगे तो इसको इरेज करेंगे, इतना पॉइंट नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिए, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, कैसीन इज इक्वल टू रेनिन, रेनिन पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है, हाँ ठीक है, सही है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन यूज होता है, ठीक है चलो डन। अब हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कर लेते हैं,
तो गैस्ट्रिक जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उन डाइजेस्टिव एंजाइम में पहला है आपका पेप्सिनोजन। क्या है? पेप्सिनोजन। एक्चुअली जो यहाँ प्रोड्यूस होता है एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में, वो है पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखो पेप्सिनोजन। अब ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मीडियम में ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसे। सीधे हम लिख लेते हैं कि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करा, सीधे पेप्सिन रिलीज नहीं हो रहा है, बात समझो। रिलीज होता है पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव होता है, और ये पेप्सिनोजन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन। और ये पेप्सिन जो है अब ये एक्टिव हो गया, एक्टिव एंजाइम, रेडी टू डाइजेस्ट, डिग्रेड द मोनोमेरिक द कॉम्प्लेक्सर फॉर्म ऑफ फूड। कॉम्प्लेक्सर फॉर्म ऑफ फूड को डिग्रेड डाइजेस्ट करने के लिए अब ये तैयार है पेप्सिन। ठीक है, अब ये एक्टिव पेप्सिन जो है, ये एक्टिव पेप्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, ये प्रोटीन को क्या करेगा? डिग्रेड करेगा। और प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा? ये पेप्टोज और प्रोटीएजेस में तोड़ेगा, पेप्टोज एंड प्रोटीएजेस। ठीक है, या आप कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड, जो ये भी टर्म यूज कर सकते हो आप, पॉलीपेप्टाइड चेन्स में टूटेगा। क्लियर है? यानी प्रोटीन पेप्टोन्स या प्रोटीएजेस या पॉलीपेप्टाइड चेन में टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। ध्यान रखना, अभी पूरी तरह से ये प्रोटीन चेंज नहीं हो गया मोनोमेरिक फॉर्म में, क्योंकि प्रोटीन का जो मोनोमेरिक फॉर्म है वो क्या है? प्रोटीन का मोनोमेरिक फॉर्म बताओ, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मोनोमेरिक फॉर्म ग्लूकोज को कहते हैं ना, प्रोटीन का मोनोमेरिक फॉर्म एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये पेप्टोन्स या प्रोटीएजेस या ये पॉलीपेप्टाइड नहीं एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब प्रोटीन का कौन सा फॉर्म होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए भाई, जवाब दीजिए। चैट अमीनो एसिड, वेरी गुड हर्षिता, चैट चला गया था, ठीक। अमीनो एसिड, प्रदीप, सभी लोग सही जवाब दे रहे हो। अमीनो एसिड क्या है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अमीनो एसिड, चैट चला गया था इसलिए आप लोगों का आंसर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड में, तो देखो अभी यानी पेप्सिन से अमीनो एसिड में नहीं कन्वर्ट हुआ, यानी प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, ध्यान रखना। तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लेकिन मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं। मोनोमेरिक फॉर्म में कौन सा एंजाइम करता है? इरिप्सिन, जो कि इंटेस्टाइनल जूस में रिलीज होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहां समझ में आ गया, यानी प्रोटीन का अगर देखो तो पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो जा रहा। जैसे माउथ में कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा था, तो माल्टोज भी क्या था? डाइसैकेराइड, वहां भी पार्शियल डाइजेशन था, वैसे यहां भी प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। ये सवाल पूछता है कि प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है? आंसर दे देगा स्टमक, दूसरा दे देगा इंटेस्टाइन, और तीसरा दे देगा बोथ। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज करके स्टमक और इंटेस्टाइन बोथ लिखते हैं, क्योंकि स्टमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है और इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। लेकिन ध्यान रखो कंप्लीट डाइजेशन पूछ रहा है, तो कंप्लीट डाइजेशन सिर्फ कहां होगा? कंप्लीट डाइजेशन आपका होगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हो रहा है, उस पार्शियल में ये प्रोटीन इस पेप्सिन के प्रेजेंट में पेप्टोन्स या प्रोटीएजेस या पॉलीपेप्टाइड चेन में टूटता है। इतना बात समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या, वो भी समझ लो। जैसे वहां मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बताए थे ना, वैसे सोचो ये जो प्रोटीन है ये बना होता है अमीनो एसिड का, इसका बना होता है अमीनो एसिड। तो सोचो ये जो अमीनो एसिड है, ऐसे जब कई अमीनो एसिड की चेन बन जाती है, ये देखो कई अमीनो एसिड की अगर चेन बन गई तो इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और फिर कई पॉलीपेप्टाइड, ये देखो एक और अमीनो एसिड चेन में बना दे रहा हूं, एक और अमीनो एसिड चेन में बना दे रहा हूं, और एक और अमीनो एसिड चेन में बना दे रहा हूं। ऐसे अगर कई पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग से ऐसे आपस में जुड़े हों तो क्या बना लेंगे? प्रोटीन।
तो जो ये देखो, इसमें देखो तीन, यहाँ ध्यान दो, मैंने तीन इसीलिए चेन बनाया, एक चेन ये हो गया पहली पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी चेन ये, तीसरी चेन ये, ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके एक प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो यानी प्रोटीन पहले टूटा किसमें, तीन अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन में, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन किसमें टूटेगा, ये जो मैंने स्फेरिकल बनाया है अमीनो एसिड में, किसमें टूटेगा, अमीनो एसिड में। बात समझ में आया, यानी प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड पहले बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर बनता है प्रोटीन, फिर बनता है प्रोटीन। ब्लर आ रहा है, क्या बात है, नहीं आपकी तरफ से नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, यहाँ देखो बिल्कुल ठीक है, 480p सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी तरफ से है प्रॉब्लम, यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपने देखा कि ये जो पेप्सिन है ये पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्पफुल है, क्लियर है। तो आपने पेप्सिन का फंक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट है रेनिन, दूसरा जो एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में रिलीज होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो है आपका रेनिन। रेनिन क्या करता है, देखो मिल्क में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कैसीन कहते हैं, तो कैसीन इन मिल्क जो है उसको जो रेनिन एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस से रिलीज हो रहा है, ये रेनिन इस कैसीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, पैरा कैसीन में, क्लियर है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, पैरा कैसीन में। सर ब्लर नहीं है, हाँ ठीक है, चलो वो ठीक है, यहां भी ठीक है, 480p सेलेक्ट करिए, सही रहेगा। तो कैसीन जो मिल्क यानी दूध में जो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है उस कैसीन को ए रेनिन क्या करता है, पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है इतना बात। तो दो मेन एंजाइम आपका रिलीज हो रहा है स्टमक रीजन में, कौन कौन सा, कौन कौन सा, एक पेप्सिनोजन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन नहीं कहेंगे आप, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ, HCl ने उसको एक्टिव किया तो वो पेप्सिन बना, और पेप्सिन अब प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर है, और रेनिन कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया। चलो अब आपका ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, स्टमक के बाद कौन सा वाला रीजन आता है बताओ भाई, स्टमक के बाद आता तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में पहले ही एक ग्लैंड है जो रिलीज करता है अपना सिक्रीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम में वाले रीजन में बताओ दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं एसोसिएटेड, ऊपर की तरफ लीवर छतरी के, याद करो स्ट्रक्चर लीवर, और नीचे की तरफ ड्यूडेनम जो लूप है उसमें क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो था, पैंक्रियाज, वेरी गुड अंश। तो दो ग्लैंड, तो पहले हम लोग लीवर की बात कर लेते हैं, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद तीसरा जो हमें पढ़ना है लीवर के बारे में पढ़ना है, ठीक, की बात कर लेते हैं भाई, लीवर के बारे में कुछ पहले बात समझो, जैसे लीवर नाम आए तो लोकेशन आपके दिमाग में आ गया होगा, लीवर कहां था, लीवर जो ड्यूडेनम वाला लूप था, याद करो जो ड्यूडेनम वाला ऐसे लूप मैंने बनाया था, ठीक है, और ये यहां पे ऐसे ऐसे, याद आया, ये लीवर था, ये क्या था, लीवर, क्लियर है, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो स्टमक में जो ड्यूडेनम का ये जो लूप है और यहां पे क्या बना था, याद करो, यहां पे क्या था, ये आपका पैंक्रियास था, और फिर यहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया था, ये याद करो स्ट्रक्चर, याद आया, यहां पे आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, याद आया ना। तो ये देखो ये जो लीवर है, लीवर, ये लीवर टू लोब्ड होता है, क्या होता है, टू लोब, एक राइट लोब और दूसरा लेफ्ट लोब। तो इधर देखो जो बोर्ड पे आपके दिख रहा है, ध्यान देना, ये आपका क्या हो गया, राइट लोब, ये क्या हो गया, राइट लोब हो गया, और इधर वाला वो क्या हो गया, लेफ्ट लोब। तो जनरली ये जो राइट लोब है, ये राइट लोब लार्जर इन साइज होता है, क्या होता है, लार्जर इन साइज होता है, देखिए मैंने डायग्राम में यहां बनाया भी इस वाले रीजन को, राइट लोब बड़ा दिख रहा है ना, तो राइट लोब लार्जर इन साइज होता है, जबकि लेफ्ट लोब जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, ये एक बात हो गई,
जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है, यानी पॉइंट नोट करते जाइए, देखिए क्लियर है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं, जैसे ही लीवर दिमाग में आए, तो पहला पॉइंट है लीवर टू लोब्ड स्ट्रक्चर। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू लोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक, जिसमें आगे लिखेंगे राइट लोब इज लार्जर, राइट लोब इज लार्जर देन लेफ्ट लोब, ठीक, जिसमें राइट लोब जो है वो लेफ्ट लोब से बड़ा होता है। एक बात हो गया। दूसरा, ये जो लीवर आप देख रहे हो, इसे हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी, केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी, यानी ढेर सारे केमिकल्स रिलीज करता है। लेकिन ध्यान रहे, सारे केमिकल्स के बारे में आपको यहां नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब यही 11th क्लास में आप जाएंगे तो लीवर को बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है अंकित? वेरी गुड, राइट इज लार्जर देन लेफ्ट लोब, ठीक है। तो अब ये जो केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी है, इससे ढेर सारे केमिकल्स जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो उन सारे केमिकल्स के बारे में यहां आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक चीज के बारे में आपको पढ़ना है, वो है बाइल जूस। क्या है? बाइल जूस, यानी लीवर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रिलीज करता है। सर वाई राइट लोब इज लार्जर देन लेफ्ट लोब? बेटा ये आपका स्ट्रक्चरल, आप कह सकते हैं पैमाना है, जैसे किडनी में भी एक थोड़ा छोटा और एक बड़ा होता है, ये सारे पार्ट्स का अपना एक स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन है, बस उसका कोई इस तरह का वजह नहीं है, ठीक है। और रही बात उसके फंक्शनल एस्पेक्ट से, इसको जोड़ सकते हो कि राइट जो लोब है वो ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए वो लार्जर होता है, और स्मॉलर लोब उसमें सिक्रीशन कम होता है तो वो छोटा होता है, ठीक है, तो उससे कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये आप मेमोराइज करिए कि जो टू लोब स्ट्रक्चर है, राइट लोब लार्जर है, लेफ्ट लोब स्मॉलर है, और ये ढेर सारे केमिकल्स जो रिलीज करता है उसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। सारे केमिकल्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? बाइल जूस जो ये रिलीज करता है, यानी लीवर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं करता, ध्यान रखिएगा। ये क्या रिलीज करता है? इट रिलीज बाइल जूस, बहुत ध्यान दीजिए, बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो ये रिलीज कर रहा है लीवर, ये टेम्पररी स्टोर कहां होता है? गाल ब्लैडर में। कहां स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में, क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे, इट रिलीज बाइल जूस विच इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। याद करिए डायग्राम जो मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पे, ये जो लीवर बनाया था मैंने ऐसे, इस लीवर में एक ऐसे सैक लाइक पाउच बनाया था, यही गाल ब्लैडर था। क्या था? गाल ब्लैडर, याद आया ना? तो ये जो गाल ब्लैडर है कोई सिक्रीशन रिलीज नहीं करता, ध्यान रखो, कोई सिक्रीशन रिलीज नहीं करता, बल्कि ये एक पाउच है जिसमें जो ये बाइल जूस है, जो एक्स्ट्रा होता है, वो एक्स्ट्रा बाइल जूस, कुछ तो बाइल जूस सीधे चला गया ड्यूटेनम रीजन में, और कुछ जो एक्स्ट्रा बाइल जूस है वो इस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिससे कि इस बाइल जूस की कमी ना हो, क्योंकि डाइजेशन में इस बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है समझते हैं हम लोग, इतना बात समझ में आया? तो इट रिलीज बाइल जूस विच टेम्पररी स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, ठीक है। अब ये जो गाल ब्लैडर आप देख रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट चलिए हम लोग बात करते हैं, गाल ब्लैडर जिसमें टेम्पररी स्टोरेज ऑफ बाइल जूस हो रहा है, ये बाइल जूस किसमें मदद करता है, ये अगला सवाल है, ठीक है। तो जनरली ये बाइल जूस जो होता है दो काम करता है, एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, और दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। वेरी गुड आंसर,
किसमें मदद करता है? प्रदीप फाइल जूस, इट मेक फूड अल्कलाइन, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो बाइल जूस देखिए दो काम कर रहा है, इट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम, पहला काम इट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम, और दूसरा किसमें मदद करता है? इट हेल्प एंड हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एंड हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगला सवाल तुरंत दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है, क्या भाई इमल्सिफिकेशन फैट समझो। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट याद करो, माउथ में जो टीथ का काम था, टीथ क्या कर रहा था? फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे रहा था, जिससे कि फूड पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ जा रहा था, और सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई, बढ़ गई ना। तो वैसे ही ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े होते हैं और उस पर एंजाइम इजिली काम नहीं कर पाता है, इसलिए उन फैट ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, जिससे कि जो आपका एंजाइम है, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम या फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन फैट मतलब हो गया ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इंटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी। याद रखिएगा क्यों हो रहा है ये, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी। यानी देखो यहां ध्यान दो, मैं डायग्रामेटिकली भी आपको समझाना चाह रहा हूं। ये देखो मान लो एक कोई बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, एक बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, आप सोचो ये बड़ा फैट ग्लोब्यूल इस बाइल जूस की प्रेजेंस में, ये बाइल जूस क्या करेगा भाई, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में देखो तोड़ दिया, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया अगर इस बड़े फैट ग्लोब्यूल को, तो क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं? याद करो सरफेस एरिया बढ़ गया, ऐसे देखो ब्लू कलर से मान लो मैं एंजाइम बना रहा हूं, तो ये देखो ये सिर्फ इस एंजाइम पे काम कर रहा है, अगर ढेर सारे छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हुआ तो देखो सरफेस एरिया बढ़ा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये जो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इन छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा कि नहीं? ये इजिली डाइजेस्टेड हो जाएगा, क्लियर है? तो ये इजिली डाइजेस्ट होता है, वेरी गुड। लाइपेज की प्रेजेंस में होता है लिपिड का डाइजेशन, वो आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। यानी लीवर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं करता, हालांकि इसको हम केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी कह रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे और केमिकल्स ये रिलीज करता है, तो उन सारे केमिकल्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हम चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ पढ़ना है कि डाइजेशन से रिलेटेड जो फ्लूइड रिलीज कर रहा है जो केमिकल, वो है बाइल जूस, और वो बाइल जूस टेम्पररली स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, और ये बाइल जूस मदद करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्सर और लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इंटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया विच इनहांस द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, सरफेस फिनोमिना है, क्या है, सरफेस फिनोमिना है जो सरफेस पे काम करती है, क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया, चलो इतनी बात समझ गए, तो आगे हम लोग बात करते हैं लीवर के बाद, लीवर के बाद क्या आ जाएगा भाई, लीवर के बाद हम लोग बात करेंगे पैंक्रियास की, नेक्स्ट हम लोग पैंक्रियास की बात करते हैं। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है, पैंक्रियास की बात करेंगे हम लोग, चलो पैंक्रियास।
पैनक्रियास की बात कर लेते हैं भाई, पैनक्रियास क्या क्या रिलीज करता है। तो पहली बात समझो कि पैनक्रियास जो होता है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कहाँ पाया जाता है, याद करो जो आपका ड्यूडेनम का लूप था उसी लूप में स्टमक के नीचे पाया जा रहा था, याद करो ये ऐसे ऐसे जो लूप मैंने बनाया था इस लूप में यहाँ ये पैनक्रियास था और ये जो ऊपर है ये ऐसे मैंने स्टमक बनाया था, याद आया, और यहां ये मैंने लीवर बना दिया, याद आया कि नहीं। ठीक है, ये देखो जो मैं डायग्राम बना चुका हूं इसलिए कहा था मैंने डायग्राम आप बना लीजिएगा। ये हो गया स्टमक आपका, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ड्यूडेनम रीजन। ठीक, अब ड्यूडेनम से देखो ये अटैच्ड है स्टमक के नीचे ड्यूडेनम लूप में पाया जा रहा है पैनक्रियास। तो लोकेशन दिमाग में बिठा लो, स्टमक के नीचे ड्यूडेनम लूप में पैनक्रियास है। ठीक है, और यही देखो लीवर जो है वो इस पैनक्रियास के जस्ट अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ पाया जा रहा है। तो दोनों का लोकेशन एकदम दिमाग में आपके बैठा होना चाहिए, क्लियर है। तो पहला पॉइंट कि पैनक्रियास जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, पहला पॉइंट प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक इन ड्यूडेनम लूप, इन ड्यूडेनम लूप। क्लियर है, डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, ड्यूडेनम लूप में स्टमक के पीछे पाया जाता है, एक बात हो गया पैंक्रियास। ठीक है, अब पैंक्रियास रिलीज क्या क्या करता है ये देखो। तो पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो आपको पढ़ना है। पैंक्रियास क्या रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस। देखो ध्यान रखो मैं इसके साथ ही डाइजेशन भी बताता जा रहा हूं। ठीक है, अब इस पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं, पहला है एमाइलेज। क्या है एमाइलेज, ये नाम सुन चुके हो आप, माउथ में सेलेवरी एमाइलेज था उसे हम सेलेवरी एमाइलेज, सलाइवा में पाया जाने वाला एमाइलेज या उसे टाइलिन भी कह रहे हैं। क्लियर है, सब लोग सही बता रहे हो। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन लाइपेज और आपका एमाइलेज पाया जाता है, वेरी गुड सर। पहले एसिडिक बनाने के बाद एल्कलाइन क्यों, अच्छा पहले एसिडिक बनने के बाद एल्कलाइन क्यों, भाई देखो एसिडिक मीडियम जो स्टमक में, एसिडिक मीडियम है बेसिकली, वो एसिड का काम है कि स्टमक में जो एंजाइम्स हैं उनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो एंजाइम काम नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ एल्कलाइन मीडियम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई ये जो एंजाइम्स हैं ये एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नीड टू मेक फूड एल्कलाइन, भाई एक बात समझो कि वहां एसिडिक मीडियम था और बाद में एल्कलाइन हो गया तो दोनों बफर होके न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, और अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो आपका फूड जो है आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स माने एब्जॉर्प्शन और ये सारी फिनोमिना में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं जो एल्कलाइन मीडियम में, ध्यान रखो ये एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये एल्कलाइन मीडियम में आपका जो एमाइलेज है, ये एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा जो माउथ में हो रहा था। ठीक है, ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा या आइसो माल्टोज, माल्टोज या आइसो माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज माल्टोज एंड आइसो माल्टोज। अब ये देखो माल्टोज भी है, ये डाइसेक्राइड है, क्या है डाइसेक्राइड, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमाइलेज। दूसरा जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम क्या है ट्रिप्सिन, क्या है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रोटीन को, कार्तिक हाँ लेट हो कोई बात नहीं है बाद में देख लेना। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, किसे करेगा प्रोटीन को।
और ये भी प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, कंप्लीटली नहीं। तो प्रोटीन को पार्शियली किसमें डाइजेस्ट करेगा? वही पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में, ठीक है, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में, या पेप्टाइड चेन कह लीजिए। तो पेप्टोन और पेप्टाइड्स में इस प्रोटीन को ट्रिप्सिन ने थोड़ा बिल्कुल पेप्सिन के तरीके से, यानी पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, अभी हम अमीनो एसिड नहीं बनाए हैं, क्लियर है ना। तो फैट एंड लिपिड, फैटी एसिड एंड, हाँ वेरी गुड। और जो नेक्स्ट है वो है लाइपेज, क्या है, लाइपेज एंजाइम। तो तीन एंजाइम याद रखना है पैनक्रियाटिक जूस में आपको, क्या क्या, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है माल्टोज में, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, और ये जो लाइपेज है ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, और लिपिड को किसमें, और लिपिड कौन सा लिपिड, ध्यान रहे कौन से लिपिड को, इमल्सीफाइड लिपिड, कैसे लिपिड को, इमल्सीफाइड लिपिड। तो इमल्सीफाइड लिपिड को किसमें कन्वर्ट करेगा ये बताओ, लिपिड किससे बना होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसराल से, वेरी गुड, किससे बना होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसराल से। देखो ये एंजाइमेटिक वाला प्रोसेस है, इसे याद करना, इसमें ढेर सारे नाम आपको याद करने हैं, इसलिए जैसे जैसे स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ उसे याद रखो, कनेक्ट करोगे याद हो जाएगा। तो लाइपेज मतलब लिपिड के डाइजेशन में मदद करेगा, लिपिड को वो डाइजेस्ट करेगा तो किस लिपिड को, इमल्सीफाइड लिपिड को इमल्सिफिकेशन में कौन मदद किया, बाइल जूस। तो ये जो इमल्सीफाइड लिपिड है ये फैटी एसिड और ग्लिसराल में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, क्लियर है। और पैंक्रियास का जो सिक्रीशन है वो कहां रिलीज होता है, मैंने बताया था पिछले टर्न पे, पैंक्रियास से निकलने वाला सिक्रीशन पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम रीजन में रिलीज होता है, कहां होता है, ड्यूडेनम रीजन में रिलीज होता है, क्लियर इतना बात, ठीक है। तो ये आपका पैंक्रियास भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, आंसर सही है, ड्यूडेनम रीजन में रिलीज होता है थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट। चलो पैंक्रियास के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, नोट करते जाइएगा, ये सारे एंजाइम्स आपको याद होने चाहिए, समझ लीजिए, ठीक है। पैंक्रियास के बाद नेक्स्ट जो आता है भाई, हमने क्या पढ़ा, सेलेबरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर लीवर, फिर पैंक्रियास, और पैंक्रियास के बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड, क्या आएगा सर, वाई पैंक्रियास इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। देखो भाई एक बात समझो, जो ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन मतलब होता है डक्टफुल ग्लैंड, जिसका सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू, पाइप के थ्रू जाता हो, ठीक, और एंडोक्राइन मतलब जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। तो क्यों एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन बोथ, ये नहीं सवाल होना चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए कि सर पैंक्रियाज एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन, ये सवाल होना चाहिए, ठीक है। तो पैंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड है, वो इसलिए क्योंकि कुछ सिक्रीशन थ्रू डक्ट करता है इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और कुछ सिक्रीशन थ्रू विदाउट डक्ट करता है इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और ज्यादातर जो सिक्रीशन होता है पैंक्रियास का वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है, ध्यान रखना, बहुत थोड़ा हिस्सा एंडोक्राइन सिक्रीशन होता है, और एंडोक्राइन सिक्रीशन मतलब डक्टलेस सिक्रीशन, यानी जो निकला वो बिना किसी डक्ट के थ्रू, जैसे मान लीजिए वो कैसे निकलता है, जैसे कोई चीज रिस के निकल रही है, कोई एक जगह टिश्यूज है, उन टिश्यूज से रिस के अगर कोई चीज निकल रही है तो डक्टलेस सिक्रीशन बोलते हैं, और किसी पाइप के थ्रू अगर रिलीज हो रहा है तो डक्टफुल सिक्रीशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर डक्ट के थ्रू सिक्रीशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन। तो मैक्सिमम जो सिक्रीशन होता है पैंक्रियाज में डक्ट्स के थ्रू होता है, तो पैंक्रियाज दोनों है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड है, लेकिन ज्यादा सिक्रीशन कैसा होता है, एक्सोक्राइन, ये ध्यान रहे, ठीक है। और एंडोक्राइन में जो खास तरह की सेल्स से पूछ लिया तो जान लो, उसे एसलेट्स ऑफ लैंगरहैन बोलते हैं, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास को हम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल है नहीं आपके उसमें, आपको ये 11th क्लास में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो ये डाइजेशन तो स्टमक में हो गया है, तो फिर क्यों, डाइजेशन कहां स्टमक में हो गया भाई, डाइजेशन स्टमक में नहीं हुआ, स्टमक में इनकम्प्लीट हुआ है, कहां कंप्लीट डाइजेशन हुआ था, ठीक है। चलो
उसके आगे फर्दर आप स्टेप वाइज समझिए, पार्शियल डाइजेशन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन जो हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो पैंक्रियास के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसकी बात करेंगे हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। चलो इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करते हैं हम लोग। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहां पाया जाता है भाई, जैसे स्टमक वाल में, स्टमक में पाया जाने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जा रहा था, वैसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहां पाया जाता है, लोकेटेड इन इंटेस्टाइनल वाल। यानी इसके लिए कोई ऐसे जो बाकी लीवर पैंक्रियाज इस तरह का जो ग्लैंड्स हैं उस तरह से, या पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सबलिंगुअल ग्लैंड्स अलग से है, उस तरह से नहीं है, ये उसी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल है उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में पाया जाएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। बिल्कुल कैसे, गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसा, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक वाल में था वैसे ही ये भी इंटेस्टाइनल वाल में पाया जाएगा। तो पहली बात, इंटेस्टाइनल वाल लोकेटेड इन इंटेस्टाइनल वाल, इंटेस्टाइनल वाल में पाया जाता है, ठीक है। और जो रिलीज करता है क्या, इंटेस्टाइनल जूस, लोकेटेड इन इंटेस्टाइनल वाल विच रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, क्लियर है इतना बात। अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या पाया जाता है वो देख लो आप, कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोटीन वाले पार्ट को देख लेते हैं, प्रोटीन जिसका अभी तक पार्शियल डाइजेशन हुआ था, क्या हुआ था, पार्शियल डाइजेशन भाई, पेप्सिन था उसने भी प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ा था, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, और जबकि क्या है, इट इज आल्सो फर्दर ब्रेक डाउन स्टार्च प्रोटीन फैट इनटू सिंपलर वन, ठीक है। चलो तो अब इंटेस्टाइनल जूस में हम सबसे पहले किसकी बात कर ले, प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो पेप्टाइड्स में टूटा था, किसमें टूटा था, पेप्टाइड पेप्टाइड्स एंड जो पेप्टोन्स था वो फर्दर जो पार्शियल, देखिए प्रोटीन जो है पेप्सिन, याद करो पेप्सिन और ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स या प्रोटीएज में टूटा था। अब इस पेप्टाइड्स को या पेप्टोन्स को इरिप्सिन एक एंजाइम है, क्या है, इरिप्सिन, याद कर लो, यानी याद करो, ट्रिप्सिन पेप्सिन इरिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन इनकम्प्लीट डाइजेशन कर रहा है, जबकि इरिप्सिन अब इसको जो ये पार्शियल डाइजेशन हुआ था प्रोटीन को इसको कंप्लीट डाइजेशन करेगा और कंप्लीट डाइजेस्ट करके मोनोमेरिक फॉर्म किसमें बदल देगा, अमीनो एसिड में, किसमें बदल देगा, अमीनो एसिड में, क्लियर है। यानी ये चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ये प्रोटीन, ये देखो जो प्रोटीन था वो प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो रहा था किसकी प्रेजेंस में, बताओ, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन आपने देखा था पेप्सिनोजन से बना था, गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू रिलीज हुआ था, जबकि ट्रिप्सिन कहां रिलीज हुआ, आपका पैंक्रियास से, ठीक है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो इंटेस्टाइनल जूस है वो रिलीज हो रहा है, वो इरिप्सिन है, बहुत पूछता है, यानी इरिप्सिन फाइनली डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन को, किसमें, एमिनो एसिड में, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब कार्बोहाइड्रेट का भी देखिए पार्शियल डाइजेशन हुआ था, देखिए कंप्लीट हम करने जा रहे हैं सारा डाइजेशन, क्योंकि आपने पढ़ा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो जोड़ो कनेक्ट करो। अब जो मुंह में आपका स्टार्च था, कार्बोहाइड्रेट था, वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, फिर नीचे जो पैंक्रियास से रिलीज हुआ एमाइलेज वो भी माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, और माल्टोज डाइसैकेराइड है, मोनोमेरिक तो है नहीं, तो माल्टोज को मोनोमर में कन्वर्ट करना है तो किस एंजाइम से करेंगे, माल्टेज एंजाइम। यानी इंटेस्टाइनल जूस में जो नेक्स्ट एंजाइम है वो माल्टोज जो है, याद करने वाला है, ढेर सारा नाम है, ठीक है, लेकिन कनेक्ट करके याद करो पूरी कहानी को तो याद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, फिर माल्टोज फर्दर माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किस एंजाइम, माल्टेज। एक और बात ध्यान रखो, जहां एज लग जाए, जिस एंजाइम के नाम के आगे एज लग जाए, मतलब समझो हाइड्रोलिटिक एंजाइम,
डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये जो माल्टेज है इस माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा, और वो क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दोनों ग्लूकोज को अलग कर गए, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लिया एक माल्टोज से। कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, याद कर लीजिए, कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, क्लियर है। ऐसे ही दूसरा एक एंजाइम एंजाइम कर रहे हैं डाइसैकेराइड सुक्रोज, चीनी जो हम लोग खाते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, सुक्रेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज, तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, सुक्रेज एंजाइम, जो कि फिर एज लगा है, देखो एज लगा है मतलब हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, तो सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज हुआ, और सुक्रेज किसमें कन्वर्ट करेगा सुक्रोज को, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही मोनोमर हैं, तो सुक्रेज की प्रेजेंस में सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका इरिप्सिन हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, नोट कर लिए। सुक्रेज के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैक्टेज की, इसकी बात करेंगे लैक्टेज। तो लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में, दूध में एक डाइसैकेराइड लैक्टोज पाया जाता है, उस लैक्टोज को देखो नेक्स्ट जो एंजाइम है लैक्टोज, उस लैक्टोज को डिग्रेड करेगा लैक्टेज, कौन डिग्रेड करेगा, लैक्टोज को डिग्रेड करेगा लैक्टेज, किसमें, लैक्टेज किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ये दोनों मोनोमर हैं, दोनों क्या हैं, मोनोमर हैं, थोड़ा याद करने वाला है, याद करना पड़ेगा, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती है, लेकिन सीक्वेंस से याद करो। तो इंटेस्टाइनल जूस में पहला इरिप्सिन हो गया, जो क्या कर रहा है, पेप्टाइड या पेप्टोन्स को फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा माल्टेज जो माल्टोज को ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, सुक्रोज को सुक्रेज सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, और लैक्टोज लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि मोनोसैकेराइड है, क्या है, मोनोसैकेराइड है, क्लियर है, इतना बात समझ में आया। और फाइनली एक और बचा हुआ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटेस्टाइनल जूस में, जिससे आपका कंप्लीट हो जाए, वो है लाइपेज, यानी यहाँ भी लाइपेज रिलीज होता है, और ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है भाई, जो फैट है, उस फैट का जब हम डाइजेशन करते हैं, तो अगर फैट पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो, मान लो अगर मोनोग्लिसराइड बन गया तब तो ठीक है, मोनोमेरिक फॉर्म हो गया, लेकिन अगर इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया तो क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड लाइपेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, मोनोग्लिसराइड में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मोनोग्लिसराइड्स में, यानी बचा खुचा फैट, ध्यान दो, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और लिपिड या ग्लिसराल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब वो देखो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स को ये लाइपेज मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, मोनोग्लिसराइड्स, यानी मोनोमेरिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। तो ये आपका जो मेन एंजाइम है, जो कहां रिलीज हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस में पाया जा रहा है, इंटेस्टाइनल जूस में, याद करिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नाम पूछता है। तो इंटेस्टाइनल जूस में कितने एंजाइम हो गए, लाइपेज इरिप्सिन माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज, थोड़ा नाम याद करना है लेकिन याद हो जाएगा, दो बार तीन बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। लाइपेज क्या कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स जो कि फैट के पार्शियल डाइजेशन से बन रहा है, कंप्लीट डाइजेशन होता तो मोनोग्लिसराइड बन गया होता, पार्शियल डाइजेशन, जैसे पॉलीसैकेराइड को हम डाइसैकेराइड बना रहे थे वैसे समझो, फैट का अगर पार्शियल डाइजेशन हुआ तो ट्राइग्लिसराइड बना, यानी बच गया, अभी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसको फर्दर लाइपेज किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, मोनोग्लिसराइड में, और ये लाइपेज कहां रिलीज हो रहा है, इंटेस्टाइनल रीजन में, इंटेस्टाइनल जूस के फॉर्म में, ठीक।
फिर पेप्टाइड्स पेप्टोन्स को एलिप्सिन किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एमिनो एसिड में। माल्टोज को माल्टेज किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। सुक्रोज को जो सुक्रेज एंजाइम है किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम, एज याद रखना, लैक्टेज ए, जहां एज लग गया मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो लैक्टेज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है, इतना बात समझ में आया, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ हमको। तो ये आपका इंटेस्टाइनल जूस गया। इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन भी आपने यही पढ़ लिया, यानी कौन से ग्लैंड्स और वो ग्लैंड्स कौन से एंजाइम रिलीज कर रहे हैं और उन एंजाइम्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सेलिवरी ग्लैंड कौन से एंजाइम रिलीज कर रहे थे सिक्रीशन, फिर आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन का फंक्शन देखा, फिर लीवर के सिक्रीशन का फंक्शन देखा, फिर पैंक्रियाज के सिक्रीशन का फंक्शन देखा, फिर आपने पैंक्रियाज के बाद इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन देखा। आ गया बात समझ में, नो डाउट, नो डाउट, वेरी गुड, इतना बात समझ में आ गया, कोई डाउट है, नो डाउट, क्लियर है। चलो इतनी बात, अब इसमें देखो कुछ एंजाइम्स के नाम है, मैं बार बार कहूंगा इसमें कुछ एंजाइम्स के नाम है, वहां थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नाम रटना पड़ेगा, लेकिन दो बार चार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन करते हैं, फाइनली डाइजेस्ट कौन करता है, एरिप्सिन, बहुत पूछता है ये। एमाइलेज माउथ में भी रिलीज हो रहा है, याद करो, और आपका पैंक्रियाज भी रिलीज कर रहा है, माउथ में जो रिलीज हो रहा है उसको सेलेवरी एमाइलेज कह रहे हैं और पैंक्रियाज वाला नॉर्मल एमाइलेज कह रहे हैं, लेकिन काम दोनों का सेम है। माउथ वाला भी कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में, और पैंक्रियाज वाला भी माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है, लेकिन लाइपेज नॉर्मल लिपिड को नहीं कर पाता है, उसको डाइजेशन को इंश्योर करने के लिए जो नॉर्मल लिपिड है जो हम खा रहे हैं उसका पहले इमल्सिफिकेशन होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, तो उस इमल्सिफाइड फैट को लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट करता है। क्लियर है, और इंटेस्टाइनल जूस वाला जो लाइपेज है वो क्या करता है, जो बचा खुचा लिपिड है, ध्यान रखना बचा खुचा यानी पार्शियली डाइजेस्टेड लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड्स है, उसको मोनोग्लिसराइड मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में ही एब्जॉर्प्शन होता है, और उस एब्जॉर्प्शन में जो फाइन थिन ब्लड कैपिलरी जो पिछले टर्न पे मैंने बताया था, याद करो फाइन थिन ब्लड कैपिलरी जो विनाही पे पाया जा रहा था वाल में, उस फाइन थिन ब्लड कैपिलरीज में ऐसे ऐसे देखो विनाही मैंने बनाया था ना, और इस विनाही में क्या था, फाइन थिन ब्लड कैपिलरीज, पतली पतली ब्लड कैपिलरीज, उस ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में कंप्लीट हो जाता है, और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है फिकल मटेरियल के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका कंप्लीट फिनोमिना डाइजेशन का यानी मैकेनिज्म भी यहाँ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यानी जब न्यूट्रिशन में आप पढ़ते हैं तो न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप पढ़ते हैं, देखो मैं सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूँ जितनी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है। न्यूट्रिशन में पहला चीज क्या पढ़ते हैं बताओ जल्दी से, इंजेशन, इनगल्फिंग ऑफ फूड हो गया, थ्रू माउथ करते हैं, माउथ का सारा आपने डिटेल पढ़ लिया कि भाई माउथ में टीथ होता है, फूड को क्या करता है उसकी चीविंग करता है, स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करता है, फिर इंजेशन के बाद क्या आता है डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्सर फॉर्म ऑफ फूड इनटू मोनोमेरिक और एब्जॉर्बेबल फॉर्म, तो डाइजेशन आज मैंने बता दिया आपको, और इस डाइजेशन में इन्वॉल्व डाइजेस्टिव पार्ट्स जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चरल डिटेल इसके पिछले टर्न पे दे दिया था, तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया डिफरेंट कंपोनेंट्स का। डाइजेशन के बाद क्या आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में खाली इतना याद रखना है आपको कि जो विलाई होती है उस विलाई में फाइन थिन ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, उसमें जो ब्लड है और उसके अलावा जो कुछ और फ्लूइड जिसे लिम्फ कहते हैं, तो ब्लड और लिम्फ में ये जो डाइजेस्टेड फूड है वापस चले जाते हैं और फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे शरीर के हिस्सों तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेबल फूड, जो एब्जॉर्ब कर लिया शरीर ने उसका अब इस्तेमाल करेगा, तो क्या इस्तेमाल करेगा भाई, प्रोटीन का इस्तेमाल, जो अमीनो एसिड, देखो याद करो एब्जॉर्प्शन में के बाद एसिमिलेशन में क्या होता है,
ये एक पॉइंट है जो थोड़ा समझने वाला है, एसिमिलेशन में जो प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ उस प्रोटीन में प्रोटीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, एमिनो एसिड के फॉर्म में। ये एक पॉइंट है जो चाहे तो थोड़ा सा नोट कर लो, दो मिनट और टाइम दो, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, दो मिनट मुझे और समय दीजिए। एसिमिलेशन प्रोसेस में थोड़ा सा आपको ये समझना है कि दो मिनट का और मैं टाइम मांग रहा हूं, जो हमने प्रोटीन लिया वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, अमीनो एसिड के फॉर्म में, किस फॉर्म में गया, अमीनो एसिड के फॉर्म में गया। अब ये अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके जो सेल है हमारा वो प्रोटीन ही बनाता है, क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। अब आप कहोगे सर जब बनाना प्रोटीन था तो उसको डाइजेस्ट इतनी मेहनत करके अमीनो एसिड में क्यों तोड़ा, जब बनाना प्रोटीन ही था, कोई जवाब दे सकता है इसका, जब बनाना प्रोटीन ही था इस अमीनो एसिड को लेके, तो फिर उसको डाइजेस्ट करके तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी, कोई बताएगा इसका जवाब, थोड़ा सा यहां समझना है, इंटरेस्टिंग है ये मन में आ सकता है ना आपके सवाल कि सर जब भाई हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटीन को डाइजेशन के बाद क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट किए, किसमें कन्वर्ट किए, अमीनो एसिड में कन्वर्ट किए, जल्दी से जवाब दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और अमीनो एसिड से फर्दर हम एसिमिलेशन में क्या कर रहे हैं, एसिमिलेशन के लिए हम इस अमीनो एसिड से प्रोटीन बना रहे हैं, तो क्यों भाई, सीधे प्रोटीन लिए, इसलिए कि बात समझो, हमें कौन सा वाला प्रोटीन चाहिए, यानी बॉडी को कौन सा वाला प्रोटीन चाहिए, वो सारे प्रोटीन हम एक्सटर्नली तो नहीं दे सकते ना, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि जितना प्रोटीन हम खा रहे हैं उस प्रोटीन से, तो वो प्रोटीन को डिफरेंट अमीनो, यहां हम मैंने लिखा प्रोटीन, और प्रोटीन को हमने क्या किया, डिफरेंट अमीनो एसिड में तोड़ दिया, ये देखो ये मान लो अमीनो एसिड्स हैं, अब ये जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं इन डिफरेंट अमीनो एसिड्स को जोड़ के सेल अपने मतलब का प्रोटीन बनाएगा, बात समझो, यानी इसका इस अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके सेल अपनी जरूरत वाला अपने रिक्वायरमेंट वाला प्रोटीन बनाएगा, यही बात समझना आपको, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए कि जो एसिमिलेशन में हो रहा है अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड वापस फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, लेकिन सेल अपने मतलब का प्रोटीन बनाता है, यानी कि जबरदस्ती जो हमने खाया वही प्रोटीन यूज करना है, ठीक, इसीलिए उस प्रोटीन को पहले तोड़ लेता है, तोड़ लिया तो अब जो मर्जी वो प्रोटीन बना ले सेल, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मर्जी वो प्रोटीन बना पाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास ये अमीनो एसिड है, क्लियर है। और एक्सेस अगर हो गया है अमीनो एसिड तो क्या करता है, हाँ अगली बात, एसिमिलेशन में अमीनो एसिड से हमारा जो सेल है वो प्रोटीन बनाता है, और अगर एक्सेस हो गया, यही अमीनो एसिड अगर एक्सेस हो गया तो क्या करेगा, एक्सेस अमीनो एसिड यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन लीवर, एक्सेस अमीनो एसिड चेंज इनटू यूरिया इन लीवर, लीवर में यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली यूरिया के फॉर्म में, ये यूरिया एक्चुअली मेटाबॉलिक वेस्ट भी है, बहुत और भी प्रोसेसेस में यूरिया बन रहा है जो मेटाबॉलिक वेस्ट भी है जो शरीर से बाहर निकल जाता है, क्लियर है। तो ये हो गया अमीनो एसिड का इस्तेमाल, जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का इस्तेमाल क्या करेगा, ये तो पहला अमीनो एसिड हो गया, शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल क्या करता है एब्जॉर्ब करने के बाद, बताओ, ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है शरीर एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, कैसे यूज करता है, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, समझ लो भाई ये बहुत जरूरी है, यानी रेस्पायरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, और रेस्पायरेशन में ग्लूकोज को ही बर्न करके ऑक्सीडाइज करके सेल को एनर्जी एटीपी मिलती है, तो यानी ग्लूकोज का इस्तेमाल रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में किया। अब ये भी अगर एक्सेस हो गया तो क्या करेगा बॉडी, बताओ, एक्सेस ग्लूकोज को क्या करेगा बॉडी, जैसे यहां एक्सेस था अमीनो एसिड तो उसको लीवर में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, अगर एक्सेस ग्लूकोज हो गया तो बॉडी क्या करेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, तो एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बहुत पूछा जाता है ये सवाल, याद कर लो, जबकि प्लांट में एक्सेस जो फूड है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, एक्सेस ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में एक्सेस ग्लूकोज किस रूप में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में,
बल्कि और जो बचा है, ऐसे जनरली ग्लूकोज का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जो बचा कुचा एक्स्ट्रा हो गया वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होता है सेल के द्वारा, ज्यादा हो गया तो लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। और प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करता है, एंजाइम का काम करता है, मल्टीपल फंक्शन करता है। ठीक, ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल हुआ, एक्स्ट्रा हो गया तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब बचा क्या, तीसरा फूड, मेन तीसरा फूड क्या बचा, फैट। क्या बचा, फैट। तो फैट का इस्तेमाल मेनली किस रूप में होता है, फैट भी समझ लो और एक्स्ट्रा फैट का क्या होता है ये भी समझ लो। तो फैट जो होता है, फैट जनरली मेनली इन्वॉल्व होता है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। ठीक है, मेनली इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मेनली इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। सेल मेम्ब्रेन देखो, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो मेनली फैट मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में मदद करता है। और फैट अगर एक्स्ट्रा हो गया, एक्सेस फैट, तो वह एक्सेस फैट ह्यूमन में कहां जाके स्टोर हो गया, स्किन के नीचे, एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में। स्किन के नीचे फैट की लेयर पाई जाती है तो उसके रूप में स्टोर हो जाता है। तो एक्सेस फैट, एक्सेस फैट इज स्टोर्ड अंडर स्किन, स्किन के नीचे लेयर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर है, ये आपका एसिमिलेशन हो गया। क्या हो गया, एसिमिलेशन। और फाइनली एसिमिलेशन के बाद लास्ट क्या स्टेप है, इजेशन। इजेशन मींस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो ये आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया, एंजाइम कैसे काम कर रहे हैं वो भी हो गया, और स्ट्रक्चरल डिटेल भी हो गया, कुछ भी बचा नहीं है। किसी को कोई डाउट है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म भी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में देखो कुछ एंजाइम्स के नाम मैंने ढेर सारे बताए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग लगा हो, लेकिन इसे याद कर जाना। ठीक है, आज मैंने ढेर सारे नाम आपको एंजाइम्स के दिखाए हैं, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको ये नाम याद करना है, दो बार तीन बार ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, चलो वेरी गुड। तो हम लोग क्लास वाइंड अप करते हैं, थोड़ी क्लास लंबी हो गई लेकिन ये चैप्टर खत्म करना था। तो हमारा पहला पोर्शन लाइफ प्रोसेसेस का कंप्लीट हो गया, क्या, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा चैप्टर, दूसरा चैप्टर क्या है, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए आप लोग बाय, आप लोग घर पे मेहनत से पढ़ाई करिए।